दोस्तों अगर आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में ना, तो ये वाला मिल्क केक आपके पड़ोस की दुकान यानी मदर डेयरी के किसी भी बूथ से बड़े आराम से मिल सकता है। और आज की वीडियो में हम इसी की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग जो है करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज एक और अनबॉक्सिंग लेके आए हैं, और वो भी स्वीट सी अनबॉक्सिंग मिल्क केक की। और ये जो मिल्क केक है ना, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बड़े ही आराम से आपके घर के पास मिल जाता होगा। ये है मदर डेयरी का बना हुआ। इनिशियली कैसा बॉक्स दिखता है, ये जो है ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है। बाहर से जो टेक्स्चर है ना, वो तो भैया कुछ ऐसा दिखता है और दिखने में एकदम मज़ेदार लग रहा है। बाकी बॉक्स पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे एज यूजुअल कुछ कुछ एक कोड टाइप लिखी होती है कि कैसे ये मिल्क केक बना हुआ, वो लिखा हुआ है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ पे, वो देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे मदर डेयरी ब्रांडिंग और साथ में जो प्रोडक्ट है मिल्क केक वो लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। इसमें मिल्क है, मिल्क सॉलिड्स है, शुगर है और लिक्विड ग्लूकोज है। अब ये क्या होती है मुझे नहीं पता बेसिकली, और बाकी खा के पता लगेगा अगर कोई डिफरेंस पता लगेगा। एसिडिटी रेगुलेटर और कुछ पता नहीं स्टेबलाइजर भी हैं। अब वो स्टेबलाइजर का यहाँ क्या काम हो रहा है वो बाद में देखेंगे। मीन वाइल अगर यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कुछ है नहीं ऐसा जिसको ध्यान पर देना चाहिए। बाकी सबसे काम की चीज़ वही है कि भैया 30 दिन के अंदर इसको कंज्यूम करना होता है। 220 रुपये का ये 400 ग्राम हमें मिलता है, लगभग 500-550 कह सकता हूँ, इतने रुपये किलो आपको ये मिल्क केक पड़ने वाला है। तो डेली एनसीआर के हिसाब से नॉर्मल रेट है, कुछ ज़्यादा रेट भी नहीं है। और ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 500-600 रुपये किलो से कम यहाँ पे कोई भी मिल्क केक किसी भी ठीक ठाक से दुकान पे नहीं मिलता है। दो हल्दीराम या बीकानेर वाला में जैसे घुस जाओगे थोड़ा और भी महंगा मिलेगा आपको। बॉक्स बाहर वाले ओपन करते हैं तो ऐसे कुछ पैकेजिंग में आपको यहाँ पे ऑफर किया, छोटे छोटे पीसेस जो हैं कटे हुए हैं। तो मतलब पीस कितने निकलेंगे ये डजंट मैटर, साइज जो है 400 ग्राम ही होगा उनका। क्लोज लुक मैं आपको दे देता हूँ एक बार, ये देखिए। किस्मत शायद हमारी ठीक नहीं थी, जो थोड़ा सा ना एक ही शेड मिला हमें, और सरदार जी भी ना उसी चीज़ से शिकायत दिखा रहे थे। बाकी ये देखिए ये पीस जो है, अब पता नहीं क्यों मतलब, लेकिन जो एक मिल्क केक को देख के जो खुशी होती है ना, वो वाली खुशी इसको देख के नहीं हुई। बट स्टिल टेस्ट करेंगे इसका और आपको बताएंगे। और जैसा कि अभी हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं पंजाब से, तो अकेले हम ही नहीं, हमारे दोस्त भी खा के बताएंगे आपको कि कैसा लगा उनको टेस्ट इस पैकेजिंग वाले मिल्क केक का। वधिया लग्या मैनूं तां, प्रॉपर दुध दा लग रहा, ठीक है, मिक्सिंग है नहीं गी, वधिया नाइस टेस्टी है खाने में तो। बट थोड़ा सा हार्ट हो रखा है इस, वैसे खाने में तो ठीक है, पर इसका जो शेड आता है वाइट और ब्राउन वो नहीं आया, ये एक ही कलर का है। बट एनसीआर दे अकॉर्डिंग सही है, अभी पैकिंग वाला इतने जिमें पैकिंग वाली चीज़ा मिलती हैं ओके है। सबसे पहले कलर की बात करते हैं, इसका जो कलर है वो बिल्कुल ही मतलब ब्लैक हो गया। जैसे कई बार घर पे बनाते हैं तो ऐसे नहीं होता, ओवर कुक हो जाता है, जैसे वो वाला है। दूसरा टेस्ट की बात करें अगर, तो इसका टेस्ट वैसा आ रहा है जैसे जब गाय या भैंस मतलब जब फर्स्ट मिल्क होता है उसका, जब बेबी होता है उसके, तो उस मिल्क से हम खीस बनाते हैं। हमारे एरिया में खीस बोलते हैं उसे, आपके एरिया में पता नहीं क्या बोलते होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। तो उससे जो हम मतलब उसको एकदम सुखा के उस वाले मिल्क को उससे जो बनाते हैं, उस खीस जैसा टेस्ट आ रहा है इसका। तो मिल्क केक हमने कई जगह का ट्राई किया है, उससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अच्छा है खाने में, लेकिन जो मिल्क केक वाला टेस्ट होता है वो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसमें खीस वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। और दूसरा, इस मिल्क केक के अलावा हमने अलवर वाला का भी मिल्क केक ट्राई किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था इससे, वो मतलब अलग ही था बिल्कुल, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी था। ये उसके कंपैरिजन में कम है ये, लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शन नहीं है मिठाई के, या फिर मतलब गेस्ट आ रहे हैं आपके पास एकदम आप कुछ नहीं बना सकते हैं, तो आप इसको ला के सर्व कर सकते हैं। उसके कई बार यूँ होता है एक लोट ख़राब हो जाता है, तो हो सकता है हमारा वाला ही ख़राब हो, आपके वाला अच्छा निकल जाए, तो आप एक ट्राई कर सकते हो। जैसा कि ममता ने पहले बता दिया ना, एक चीज़ जो मेरे को लगी, देखो टेक्सचर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, सबसे बढ़िया तरीके कंपेयर करना, जो बाहर फोटो छाप रखी है ना उन्होंने, जो ओरिजिनल मिल्क केक होता है ना वैसी छाप रखी है, जिसको देख के मन ललचा जाता है। बट अंदर थोड़ा सा अलग टेक्सचर निकला है, मतलब बेसिकली जो दो वाइट एंड ब्राउन वाला जो टेक्सचर था ना वो नहीं, टेक्सचर अच्छा नहीं है। बाकी मे बी टेस्ट का तो भैया डिफरेंस हो सकता है, जगह हर जगह खाएंगे थोड़ा थोड़ा अलग ही हो सकता है। जब हमने इसको सुबह रूम टेम्परेचर पर रखा था ना, तो ये बहुत गिलगिला सा हो रखा था कि मतलब ऐसे उठा एक पीस उठा ही नहीं सकते थे, बिल्कुल टूट रहा था। और अब इसको जब फ्रिज में रख दिया तो ये बहुत हार्ड हो गया। तो बेसिकली जो इसके पार्टिकल्स थे, जो दाने
थे ना जो इसके, वो अलग अलग नहीं है बच्चे, मतलब अब हार्ड हो गया ये और अब वो मिल्क केक वाली फीलिंग नहीं आ रही नहीं, क्योंकि मिल्क केक एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना मिलावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अभी मीठा दूध होता है, मीठा होता है और तो इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये एक ऐसी मिठाई है जो आप आँख बंद करके खरीद सकते हो, खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और मदर डेयरी या डेली NCR में अगर आप रहते हो तो आपके घर के आसपास ज़रूर होगी, वहाँ अगर अवेलेबल होती है तो आप ट्राई कर सकते हो। गुड टू गो है, एक महीने का टाइम होता है इसका, एक महीने विद इन वन मंथ हमें कंज्यूम करना होता है। किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपके आसपास कोई ट्रस्टेड मिठाई की शॉप नहीं है, जहाँ पे आपको लगता है कि भी हाइजीन वगैरह मेंटेन नहीं करते हो, तो मदर डेयरी पे विदाउट एनी डाउट आप भरोसा कर सकते हो और वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएँ और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है कि हमें कोई पैकेजिंग वाली मिठाई को अनबॉक्सिंग करना चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।